शकुंतला काफी समय से नोटिस कर रही थी कि शकुंतला की बहू सीमा जब से आई है तब से उसे शरबत पीने की बहुत ज्यादा आदत है और इसी शरबत की वजह से वो चाय के लिए चीनी भी नहीं छोड़ती। अब एक रोज सीमा अपनी सास शकुंतला को चाय देती है, लेकिन जैसे ही शकुंतला चाय पीती है वो चाय को उगल देती है। अरे राम राम राम, कैसी चाय बनाई है बहू तूने, इस चाय में तो चीनी ही नहीं है। माँ जी, आज ना मैं सुबह सुबह टीवी देख रही थी, समाचार में बता रहे थे कि डायबिटीज से हर साल लाखों लोगों की मौत होती है, इसलिए मैंने सोचा अब से आपके लिए बिना चीनी की चाय बनाऊंगी और आपको पिलाऊंगी भी। अरे बहू, मुझ पर मेहरबानी कर और इतनी फिक्र ना ही कर तो अच्छा होगा। अब जाकर चाय में चीनी डाल कर ला, मैं फीकी चाय पीना पसंद नहीं करती। अरे माँ जी, डायबिटीज इतनी खतरनाक बीमारी है और घर में चीनी भी नहीं है। घर में चीनी नहीं है? अरे 10 दिन भी नहीं हुए 5 किलो चीनी को और तू कह रही है कि चीनी नहीं है। माँ जी, आप ये भीषण गर्मी देख रही हैं? इस गर्मी में मैं किचन का खाना बनाती हूँ, घर का काम करती हूँ, काम करते करते मेरी एनर्जी सारी खत्म हो जाती है, इसके लिए मुझे शरबत बनाना पड़ता है। इसका मतलब कि 5 किलो चीनी तो शरबत में पी गई और मुझे फीकी चाय देकर कह रही है कि माँ जी आपको डायबिटीज ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको फीकी चाय दे दी। माँ जी, आप भी ना कितना गुस्सा करती हैं, मैं अभी जाती हूँ और विमला काकी से चीनी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, अब मुझे चाय नहीं पीना है। चाय पीने से पहले तो इतना कलेश कर दिया तूने, जाकर काम कर ले अब। सीमा को शरबत पीने की आदत थी और वो भी बेल का शरबत, जो कि पहले से तो मीठा ही होता है, लेकिन सीमा उसे चीनी डाल डालकर और पिया करती। बेल का शरबत गर्मी में पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और वो पेट को ठंडा रखने के लिए मदद भी करता है, इसलिए सीमा ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किन पर ध्यान रखती। एक रोज सुबह के समय सीमा बेल का शरबत बना रही होती है। माँ जी शरबत पियेंगी? मैंने एक नंबर का शरबत बनाया है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना शरबत, तुझे ही मुबारक ये उल्लू जुल्लू शरबत, ना जाने तू भी क्या क्या पीती रहती है। माँ जी, मेरा चेहरा देख रही हैं आप, कितना ग्लो मार रहा है, ये सब शरबत का कमाल है। हाँ क्यों नहीं, अच्छी बात है, महीने में 10 किलो चीनी तो शरबत में ही पी जाती है और ग्लो का राज इस बेल पर लगा रही है। और ये क्रीम पाउडर कम इस्तेमाल करती है तू, उसकी वजह से तो मेरे बेटे का जेब ढीला करवा चुकी है। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, मैं उनसे मेकअप के लिए कोई पैसे नहीं मांगती, बल्कि मेरे मेकअप का सामान तो बहुत पुराना हो चुका है, मैं सोच ही रही थी ढेर सारा मेकअप का सामान खरीद लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, देख बहू, मैं तुझे शरबत चाय कॉफी दूध कुछ भी पीने से मना नहीं कर रही, लेकिन तू जब से आई है तब से मेरे घर में 50 किलो से ज्यादा चीनी का शरबत अकेले ही पी चुकी है, तो अगर ऐसा ही रहा तो मैं चीनी मंगवाना ही बंद कर दूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आपको जो सही लगे, आपको चीनी मंगवानी है तो मंगवा लीजिए, वरना मैं तो शरबत पी ही रही हूँ। हाँ ठीक है, मैंने तय कर लिया है कि आज से घर में चीनी नहीं आएगी। सीमा शरबत में ढेर सारी चीनी पीने लगती है, जिस वजह से शकुंतला घर में चीनी लाना बंद कर देती है, लेकिन सीमा को चीनी से लगाव नहीं था बल्कि बेल से लगाव था, जिसका वो शरबत बनाकर पी रही थी। अब अगले ही दिन जब शकुंतला सीमा को शरबत बनाते देखती है तो वो अपनी बहू को टोकते हुए कहती है, अरे बहू मुझे समझ नहीं आ रहा, तू चाहती क्या है? अरे तुझे शरबत पीने की लत लग गई है क्या, हर वक्त शरबत पीती रहती है, मैंने तुझे इस शरबत के अलावा किसी भी वक्त खाना खाते हुए नहीं देखा। अरे माँ जी, इसी शरबत में तो मेरा पेट भर जाता है, मुझे तो खाना खाने की जरूरत ही नहीं होती। अरे शरबत पीने से कहीं औरतों का शरीर मजबूत हुआ है, कल को माँ बनेगी तो क्या इसी शरबत पर बच्चों को पेट में पाल कर पैदा करेगी। इन सब चीजों का यही समय है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, ये सब तो गर्मी में ही फायदेमंद होती है, अगर ज्यादा ठंड में अगर हम ये सब पियेंगे तो हमें जुकाम हो सकता है। शकुंतला अपनी बहू को हर तरह से समझाकर थक चुकी थी, लेकिन शकुंतला की बहू मानने को तैयार नहीं थी। अब एक रोज शकुंतला के घर विमला का आना होता है, तभी विमला जैसे ही सोफे पर बैठती है उसकी नाक में बेल के शरबत की खुशबू आती है। काफी दिनों से मुझे बेल के शरबत की खुशबू आ रही थी, ना जाने कौन ही बेल का शरबत बनाता है, तुझे पता भी है बेल के शरबत की कितने फायदे होते हैं? बहुत फायदे हैं काकी, और जिस शरबत से खुशबू आपके नाक में जा रही है ना, वो मैंने ही बनाया था। बहू तुझे चैन नहीं है क्या, तुझे मैंने कितनी बार कहा है ये शरबत पीना छोड़ दे, लेकिन तू तो मानती ही नहीं है। अरे शकुंतला, तू अपनी बहू को शरबत पीने से क्यों रोक रही है?
अरे तुझे पता भी है, इसे इस शरबत की कितनी आदत हो चुकी है कि ये खाना पीना नहीं खाती है, और मैं तो इससे परेशान हूँ। अरे अब तू ही बता कि ये सही है। कल को अगर ये माँ बनेगी तो 9 महीने अपने पेट में बच्चा कैसे पाल लेगी। अरे शरबत पीना तो ठीक है, लेकिन बहू खाना क्यों छोड़ रखा है तूने? वो क्या है ना विमला काकी, मुझे खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो अब मैं क्या ही करूँ, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना खा लूंगी। देख तेरी सास का भी कहना गलत नहीं है, अगर तू खाएगी नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। ये तो तेरी सास भी नहीं चाहती, वो तो ये तेरी भलाई के लिए ही कह रही है ना। अरे इसने मेरी बात नहीं मानी तो तेरी बात क्या खाक मानेगी। अपनी सास की बातें सुनकर सीमा वहाँ से चली जाती है, और सीमा के जाने के बाद शकुंतला विमला से कहती है, अरे विमला इस औरत से तो मैं परेशान हूँ, इसे कितनी बार कहा है कि ये शरबत पीना अच्छा नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा कौन पीता है, लेकिन नहीं ये लड़की है कि मानती ही नहीं है। अरे तो इसका खाना पानी बंद कर, और तू सास है, मुझे तो तुझ पर अफसोस हो रहा है कि तेरी बहू तेरा एक कहना नहीं मानती। इस बात का तो गम मुझे भी है कि मेरी बहू मेरे ही हाथों से निकल चुकी है, देख अभी भी शरबत ही पी रही है, इसे मैं कैसे समझाऊं? ये सब छोड़, शाम में हमें मार्केट जाना है, तो चल रही है क्या? हाँ चल लेंगे, थोड़ी सब्जी लानी है और सामान भी, देख लेंगे वहीं पर जाकर। हाँ हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं। विमला के जाने के बाद शकुंतला अब आराम करने जाती है, और देर शाम अब विमला बाजार जाने के लिए शकुंतला को बुलाने आती है। शकुंतला भी विमला के इंतजार में तैयार बैठी थी, तभी जब दोनों निकलने लगते हैं, तभी वो देखते हैं सीमा बेहोश होकर गिर पड़ी है। अरे शकुंतला क्या हुआ बहू को, बहू उठ भी। अरे कमजोरी से गिर पड़ी होगी, बहू तो ठीक तो है। अब शकुंतला और विमला दोनों ही सीमा को सोफे पर रखते हैं, और कुछ देर बाद डॉक्टर आता है और शकुंतला से कहता है, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि बात तो खुशी की है, अब दादी बनने वाली है, चलिए मुंह मीठा कराइए मेरा। क्या शकुंतला दादी बनने वाली है और बहू पेट से है, शकुंतला क्या बात है। लेकिन इनके अंदर कमजोरी है, आप इनका ज्यादा ध्यान रखिए, और हाँ इस हालात में तो ज्यादा ही रखना। जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब इसे शरबत दे, लेकिन बहुत कम, वरना तू अपनी जिद्दी बहू को जानती है। अब तू देख मैं इसे खाना कैसे खिलाती हूँ और ये खाना कैसे नहीं खाती। कुछ देर बाद सीमा उठती है, तो वो देखती है शकुंतला और विमला उसके सामने ही बैठे हुए हैं। बहू तू ठीक तो है ना, अब कैसा लग रहा है तुझे? बहू क्या बात है, इतनी जल्दी खुशखबरी दे दी तूने, शकुंतला को देख कितनी खुश है। बहू तूने मुझे दादी बनाकर जो खुशी दी है मैं बता नहीं सकती। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ हाँ बहू तू माँ बनने वाली है। ये सुनकर सीमा बहुत खुश होती है, घर में खुशी का माहौल होता है, और तो और शकुंतला तो सीमा को शरबत के साथ अपने हाथों से खाना भी खिला रही थी, ताकि वो शरबत तो पिए लेकिन खाना ना छोड़े। ये सब देखकर सीमा को भी अपने बच्चे की चिंता होती है, और वो खाने पीने पर ध्यान तो देती ही है, साथ में वो अपना फेवरेट शरबत पीना भी नहीं छोड़ती। समीक्षा फोन में लहंगे की फोटो देख रही होती है, और तभी उसके फोन में एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा आता है, जिसे देखकर समीक्षा बहुत खुश हो जाती है, और तुरंत अपनी बहन पूनम के पास जाती है और उसको दिखाते हुए कहती है, दीदी ये लहंगा देखो कितना सुंदर लग रहा है, मैंने तय कर लिया है मैं तो यही पहनने वाली हूँ शादी में, महंगा भी नहीं है, हमारे बजट में भी है, हम आराम से ले सकते हैं ये। यार तेरी प्रॉब्लम क्या है समीक्षा, जो चीज मुझे पसंद आती है वही क्यों तुझे लेनी होती है, यही लहंगा तो मैंने भी पसंद किया था ना, और अब तुझे भी यही लहंगा पसंद आया। झूठ मत बोलो दीदी आप, अरे आपने ये लहंगा देखा होता ना तो आप भी दिखाती नहीं हमें, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं ना, इसका मतलब यही है कि आपने ऐसा लहंगा देखा ही नहीं था, और जब मैंने देखा तो आपको भी पसंद आ गया, इसीलिए आप झूठ बोल रही हो कि आपको भी यही पसंद आया। मैं तेरी तरह झूठी नहीं हूँ जो हर वक्त बस झूठ ही बोलती रहूं। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, ये लहंगा मैंने पहले पसंद किया था तो ये लहंगा मैं ही पहनूंगी। पूनम और समीक्षा दोनों लहंगे के पीछे काफी बहस करने लग जाती हैं। तभी वहाँ उन दोनों की बाकी की तीन बड़ी बहन रितु, महक और संजना आती हैं। तभी संजना बोलती है, अरे क्या हो गया तुम दोनों इतना झगड़ क्यों रही हो? दीदी देख लो पूनम दीदी को, मैंने आपकी शादी के लिए अपना लहंगा पसंद कर लिया है, तो अभी ने भी वही लहंगा पसंद आया,
जो मुझे पसंद आया है। आप समझा लो अब खुद ही। क्या समझा लो दी, आप ही बताओ। ये वाला लहंगा मैंने आपको पहले ही नहीं दिखाया था क्या? मैंने पहले ही बोला था ना कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यही पहनने वाली हूँ। अरे तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? ये ब्राइडल लहंगा है और तुम दोनों की शादी हो रही है क्या, जो तुम दोनों ने ये ब्राइडल लहंगा पहना है? अगर इन दोनों ने ब्राइडल लहंगा पहना तो मैं भी ब्राइडल लहंगा ही पहनूंगी आपकी शादी में। मुझे तो पसंद करने में टाइम भी नहीं लगने वाला। और मैं भी, मुझे तो वैसे भी ब्राइडल लहंगा पहनने का बहुत शौक है। चलो अच्छा है, इसी बहाने मेरा भी शौक पूरा हो जाएगा ब्राइडल लहंगा पहनने का। मैं भी अब तो ब्राइडल लहंगा ही पहनने वाली हूँ। चारों बहनें संजना को ही बोलना शुरू कर देती हैं। और कुछ देर बाद पांचों बहनों की माँ कल्पना वहाँ आती है और इतना शोर देखकर वो बोलती है, ये क्या है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये घर है मेरा, कोई सब्जी मंडी नहीं जो इतना शोर कर रहे हो। और संजना तू तो सबसे बड़ी है ना, तू भी अभी इन पागलों की तरह शोर मचाएगी। माँ मैं क्या करूँ, यहाँ तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है। कब से समझा रही हूँ लेकिन कोई भी मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अब आप ही बताओ कि मैं इनका क्या करूँ। लेकिन ये सब लड़ क्यों रहे हैं? माँ चारों कह रही है कि उन्हें मेरी शादी पर ब्राइडल लहंगा पहनना है। माँ हम तो बस आपको ब्राइडल लहंगा पहनकर गिफ्ट देना चाहते थे। मैंने तो कुछ सोचा है कि मैं क्या करूँगी दीदी की शादी पर, इसलिए मुझे आप शादी के लिए ब्राइडल लहंगा ही दिला दो। वैसे बहुत दिनों से मैं भी सोच रही थी संजना की शादी के लिए, अब समीक्षा ने भी सोच लिया है तो मैं भी क्यों ना करूँ कुछ। आप सब लोग एक साथ हैरान भी हो जाओगे और खुश भी हो जाओगे। तुम सब पागल हो गए हो क्या? अरे दुल्हन संजना है और तुम दुल्हन की बहन हो, तुम चारों ही अगर दुल्हन बनकर बैठ जाओगे तो लोग बातें नहीं बनाएंगे क्या, ये सोचा है क्या तुमने कभी? माँ लोगों का तो काम ही होता है ना बातें बनाना, अब लोगों को तो अपना काम करने दीजिए। मुझसे बहस मत करना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ, माँ हूँ मैं, और मैंने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तुम चारों को कोई ब्राइडल लहंगा नहीं मिलने वाला है, इसलिए अब ये जिद छोड़ दो। कल्पना चारों को बहुत सुनाती है और फिर चारों उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। समीक्षा अपने कमरे में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड अंकित को फोन पे बोलती है, यार ना ही माँ मान रही है और ना ही संजना दीदी, अब क्या करें हम? कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान हो रही हो, सब मान जाएंगे, तुम बस कोशिश करती रहो और हाँ कोई ना कोई नया तरीका अपनाती रहो जिससे सब मान जाए, और मुझे लगता है सब मान जाएंगे। चारों बहनों का बहुत मन होता है कि वो ब्राइडल लहंगा पहने, और जब कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो बात ही नहीं करती किसी से, बस अपने से ही मतलब रखती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। ये सब संजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और संजना सबको एक साथ बिठाती है और बोलती है, कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी और एक तुम चारों हो कि मुझसे भी अच्छे से बात नहीं कर रही हो। तुम्हें अपनी बहन से प्यार नहीं है क्या, या फिर अपना गुस्सा ज्यादा प्यारा है? क्या फायदा दीदी बात करने का, यहाँ घर में तो वैसे भी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। और नहीं तो क्या, हम भी तो आपकी शादी के लिए खुश ही थे ना, तभी तो हम आपकी शादी के लिए कितना सोच रहे थे, लेकिन हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है घर में। तुम चारों को भी ब्राइडल लहंगा पहनना है, बस इस वजह से तुम चारों गुस्सा हो ना? दीदी आपको सब पता है फिर भी आप पूछ रही हो। अरे हमने मांग ही क्या लिया है आपसे जो आप मना कर रहे हो। अरे आपकी शादी में आपकी चारों बहनें आपकी तरह ही लगेंगी तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन अब तो आप भी माँ की तरफ हो गई, अब आप हमारी कहाँ सुनने वाली हो? बस करो तुम चारों, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें ब्लैकमेल करना अच्छे से आता है, और मैं अपनी चारों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम चारों की एक इच्छा तो मान ही सकती हूँ, तुम चारों मेरी शादी में ब्राइडल लहंगा पहनना। अब तो खुश हो ना तुम चारों भी? सच में दीदी अब हम भी ब्राइडल लहंगा पहन सकते हैं? और नहीं तो क्या, अब मैं ही अपनी शादी में अपनी बहनों के मुंह ऐसे लटके हुए तो देख नहीं सकती, इसीलिए बोल रही हूँ कि तुम चारों पहन लेना मेरी शादी में ब्राइडल लहंगा। और माँ का क्या, आप तो बोल रही हो आराम से, लेकिन माँ का क्या, वो तो हम पर ही गुस्सा करेंगी ना। तुम चारों माँ की टेंशन मत लो, माँ से मैं बात कर लूंगी, लेकिन अब तुम चारों भी शादी वाले घर में शादी की रौनक जमा दो, चारों ने मुंह बनाया हुआ है, लग ही नहीं रहा ये शादी वाला घर है। संजना अपनी बहनों को भी ब्राइडल लहंगा दिला देती है, और अब पांचों बहनें ब्राइडल लहंगा पहनकर बहुत खुश हो जाती हैं और बहुत ज्यादा सुंदर भी लगती हैं।
सब लोग हैरान भी हो जाते हैं कि आखिर जिसकी शादी है वो आखिर है कौन। तभी कल्पना के पास उनकी पड़ोसन जानकी आती है और बोलती है, अरे कल्पना, तेरी एक बेटी की शादी है या पांचों बेटी की शादी है? है तो एक ही बेटी की शादी, लेकिन मेरी पांचों बेटियों में आपस में बहुत प्यार है ना, तो जिसकी शादी है उसने ही जबरदस्ती अपनी चारों बहनों को ब्राइडल लहंगा पहनने को बोला है। अच्छा, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता कि शादी एक की है और दुल्हन सब बने हुए हैं। अब बच्चे जो चाहे वही करे, मैं तो बस बोल ही सकती हूँ ना, बाकी बच्चों की मर्जी है। कल्पना शादी में आए सभी मेहमानों से सुन रही होती है कि ये क्या हो रहा है। कल्पना कमरे में जाती है जहाँ उसकी पांचों बेटियाँ तैयार होकर बैठी होती हैं। तभी कल्पना गुस्से में बोलती है, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे तैयार मत होना, लेकिन तुम पांचों को मेरी बात माननी कहाँ होती है। अब देखो बाहर सब लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। माँ, मैंने ब्राइडल लहंगा इसलिए पहना है क्योंकि आज दीदी के साथ मैं भी शादी करने वाली हूँ। मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और आपको भी एक बार मिलवा चुकी हूँ। मुझे पता है कि आप मना कर देती लव मैरिज के लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। क्या, तुमने भी का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तुम चारों यहाँ मेरी नहीं बल्कि अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे और इसीलिए इतनी जिद कर रहे थे ब्राइडल लहंगे के लिए। सब तैयारी हो चुकी है, कुछ देर में मेरी बारात आएगी। और माँ, आप चिंता मत करो, आपकी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, अपने लिए सही और गलत सब जानती हैं। अब क्या बोलूं? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले किसी ने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा क्या? सब करो अपने मन की। कल्पना की पांचों बेटियों की शादी हो जाती है और कुछ दिनों बाद अपनी बेटियों को शादीशुदा जिंदगी में देखकर वो बहुत खुश होती है। सीमा के घर में उसकी ननद की शादी की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से चल रही थी। सीमा भी अपनी ननद की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। अरे कोमल, ये देखो लहंगा, और देखकर बताओ कैसा लग रहा है। भाभी, ऐसे लहंगे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, मैं अपने लिए लहंगा खुद ही देख लूंगी। आप तो वैसे भी मेरे लिए कोई सस्ता सा लहंगा देख रही होगी। अरे सीमा, तू अपनी ननद के लिए जितना कर रही है शायद ही कोई इतना कर पाता। ये तो मेरा फर्ज है रजनी काकी, लेकिन कोमल को लगता है मैं उसके लिए जो भी फैसले ले रही हूँ वो सब गलत है, या फिर मैं उसे यहाँ से भगाना चाहती हूँ। अरे तुम दोनों का रिश्ता ही ऐसा है, ननद भाभी का रिश्ता तो होता ही है नोक झोंक वाला, और तू तो जानती है ना कि माँ के बिना कोमल कैसे रह रही है। हाँ रजनी काकी, ये तो आप सच कह रही हो। घर में शादी की शॉपिंग लगातार हो रही थी, सब कुछ फाइनल हो चुका था, बस अब इंतजार था तो कोमल की शादी का। और वो दिन भी नजदीक आ जाता है जब कोमल की शादी कर दी जाती है। आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, अगर माँ होती तो आज मुझे गले लगा कर कहती कि तू मेरे लिए कभी भी पराई नहीं हुई है। रोते नहीं कोमल, अब भी तेरा ये घर पराया नहीं हुआ है। तू बहुत खुश नसीब है कि तुझे सीमा जैसी भाभी मिली। हाँ कोमल, तुम्हारे भैया एकदम सही कह रहे हैं, ये घर तुम्हारे लिए कभी भी पराया नहीं हुआ है, यहाँ सब तुम्हारे अपने ही हैं। कोमल अब जब विदा होकर अपने ससुराल पहुँचती है तो उसकी सास सरला कोमल से कहती है, आज मैं आखिर सास बन ही गई। आओ बहू, अंदर आओ। अरे तुम्हें तुम्हारी माँ ने इतने भी संस्कार नहीं सिखाए हैं कि बड़ों के पैर कैसे छूना है। अरे रहने दे बेटा, बिन माँ की बेटी है, इससे क्या ही उम्मीद करना। ये लो, इनका तो अभी से ही सास बहू और साजिश शुरू हो गया, लेकिन अभी तो मैं भी इनके साथ इनके मेहमानों का लिहाज कर रही हूँ। एक बार मुझे अपने किरदार में आ जाने दो, उसके बाद इन दोनों माँ बेटों का मैंने मोय मोय ना किया ना तो मेरा नाम भी कोमल है। कोमल का ससुराल में पहला दिन था और कोमल को सब देखने भी आ रहे थे। दूसरी तरफ सीमा देर शाम सबके लिए चाय बना रही होती है, तभी सीमा की पड़ोसन रजनी का आना होता है। घर बहुत सुना सुना लग रहा है, बेटियां होती हैं इतनी चंचल कि उनके बिना सब कुछ अधूरा लगने लगता है। सही कह रही हो आप रजनी काकी, लेकिन मुझे जिस बात की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है ना, वो ये है कि आखिर कोमल खाना कैसे बनाएगी, उसे तो रजनी काकी कुछ भी बनाना नहीं आता है। हाँ ये तो तू सही कह रही है, उसने तो आज तक अपनी माँ के होते हुए भी या तेरे होते हुए अपने खाने के बर्तन तक नहीं धोए। ना जाने वहाँ कैसे काम करेगी,
लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सीखना तो पड़ेगा ही ना। सीमा को अपनी ननद की काफी चिंता हो रही थी कि आखिर वो घर के काम कैसे करेगी, खाना कैसे बनाएगी। लेकिन इधर कोमल की सास कोमल से कहती है, बहू कल तेरी पहली रसोई है, तो कुछ ऐसा बना जिसे खाकर बस मजा ही आ जाए। माँ जी, आज तक मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है जिसे खाकर किसी को भी मजा आया हो। तो आप भी मुझसे ये उम्मीद मत ही लगाओ कि मैं आपको अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा बनाकर खिलाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बनाना आता ही नहीं है। क्या बोली बहू, तुझे खाना ही बनाने को नहीं आता? लेकिन तेरे बायोडाटा में तो ये लिखा था कि तुझे हर तरह का खाना बनाना आता है, और खाना बनाना तेरा शौक है। अरे माँ जी, आपने अब तक अपने इतने बच्चों की शादी की है, फिर भी आप बायोडाटा पर विश्वास करती है? अरे ऐसे तो आपने भी अपने बेटे के बायोडाटा में लिखा था कि म्यूजिक इनकी हॉबी है, लेकिन जब मैंने इन्हें गाने को कहा तो मेरे कानों से खून निकलने वाला था, पर मैंने खुद को किसी तरह संभालते हुए इन्हें रुकने को कहा। अरे तू कहना क्या चाहती है, मेरे बेटे की आवाज ऊंट जैसी है? माँ जी, कोई शक हो ना तो खुद ही सुन लो। हे राम राम, इस औरत की जुबान कितनी चलती है। अरे मेरे बेटे को ना जाने क्या क्या बोल दिया इसने। ये क्या तमीज है मेरी माँ से बात करने की? कान खोल कर सुन लो, मेरी माँ से अगर तुम्हें बात करनी है तो थोड़ा तमीज में रहकर बात करना, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। कोमल अपने ससुराल में पहले दिन ही इतना सब कुछ सुन चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। ऐसे ही अब अगले रोज सुबह सुबह सरला अपनी बहू कोमल को खूब सुनाती है। रवि, तू इसे इसके मायके छोड़कर आ। जब इसे खाना बनाना ही नहीं आता तो इसके भाई भाभी ने इसकी शादी ही क्यों करवाई? क्या सारी उम्र हम ही इसे खिलाते रहेंगे? माँ से फिर से बहस कर रही हो तुम? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, तुम माँ के सामने अपनी कैंची जैसी जुबान नहीं चलाया करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बिना कुछ समझे और जाने मुझ पर थप्पड़ जड़ दोगे? कोमल, रवि और सरला में अब लड़ाइयाँ होने लगी थी। तभी सरला कोमल के भाई और भाभी को फोन लगा कर कहती है। कुछ समय बाद ही कोमल की भाभी सीमा और भाई राजीव कोमल के ससुराल भी पहुंच जाते हैं। नमस्ते आंटी जी। कोमल क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? भाभी, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। माँ जी, मुझे समझ ही नहीं रही है, आज मेरी पहली रसोई थी और इनका बेटा मुझ पर बात बात पर हाथ उठा रहा है, मुझे सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा क्यों कि आप डोंगरे में ही ननद के साथ, ये क्या तरीका है? आज शादी के दो दिन भी नहीं बीते और आप लोग कि मेरी फूल सी बच्चे पर हाथ उठा चुके हो। अरे तो अगर तुम्हारी फूल सी ननद को कुछ आएगा ही नहीं तो क्या हम इसकी औरतें उतारते फिरेंगे? आप गलत बोल रही हैं। मैं आपसे बहुत तमीज से और इज्जत से बात कर रही हूँ, और आप ऐसा वर्ताव नहीं कर सकती हो। सरला तो सीमा से लड़ ही रही होती है, लेकिन रवि भी सीमा को धमकाते हुए कहता है, देखिए भाभी जी, अगर आपको लगता है कि इन दो दिनों में ही हमने आपकी लड़की को परेशान कर दिया है तो आप इसे अपने साथ ही ले जाइए। जी ऐसी बात है तो हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जा भी सकते हैं, लेकिन आप लोग जो हमें अपनी बेटी के साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं ना, उसके जाने के साथ आप लोगों को काफी तकलीफ उठानी पड़ेगी। सरला जब सीमा के मुंह से ये सुनती है तो वो सीमा से कहती है, देखो बेटा, किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मैं तो बस ये कह रही थी बहू को कि पहली रसोई का खाना बना ले जो भी तुझे आता है, और बातों ही बातों में बहस होने लगी। ये घर का मामला है, घर तक ही रहे तो अच्छा है। चल बहू, तू जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी कर, और आप लोग आइए बैठिए, बहू के हाथ का खाना खाकर ही जाइएगा। अच्छा जी, बड़ी जल्दी बदल गई आप तो। चलो अच्छा है, देर से ही सही, लेकिन आपको समझ तो आया ना? माँ, आपको इन लोगों के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें करने दीजिए जो करना है। जो हम चाहते हैं, अगर वो नहीं किया तो आधी उम्र तुम्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। सरला समझ गई थी कि अभी नई नई शादी है, ज्यादा बवाल किया तो कोमल के भाई और भाभी भी चुप बैठने वाले नहीं थे। अब सीमा अपनी ननद कोमल के साथ किचन में जाकर उसकी हेल्प करवाती है और अपनी ननद के उसकी पहली रसोई की रस्मों को पूरा करवाती है। किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं चाहती हूँ
बहू कुछ दिन अपने मायके में रहकर खाना बनाना और काम करना सीख ले। जी बिल्कुल, कोमल कुछ दिनों के लिए घर चलेगी और वहाँ रहकर घर के काम सीखेगी। हाँ भाभी, मैं भी कुछ समय के लिए घर जाना चाहती हूँ। सीमा अपनी ननद की पहली रसोई करवाने के बाद ही उसे अपने साथ घर ले आती है और कुछ दिन रखकर उसे घर के काम, खाना बनाना सब कुछ सिखाती है।